आज हम द्रुत पाठ के अंतर्गत बाबू गुलाब राय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करेंगे। हिंदी गद्य लेखन में बाबू गुलाब राय का अभूतपूर्व योगदान रहा है। उन्होंने अनेकानेक निबंधों की रचना कर हिंदी निबंध साहित्य के भंडार को भरा है। बाबू गुलाब राय का जन्म 13 जनवरी 1888 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ तथा उनकी मृत्यु 13 अप्रैल 1963 में आगरा के अंतर्गत हुई। बाबू गुलाब राय सुसंपन्न सुसंस्कृत परिवार में जन्मे साहित्यकार थे। उनके पिता भवानी प्रसाद और उनकी माता, जो कि हमेशा सुर कबीर के पदों को गाया करती थी, ऐसे परिवार में बाबू गुलाब राय का जन्म हुआ। बाबू गुलाब राय प्रारंभ से ही विलक्षण बुद्धि के युवक थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैनपुरी में की और तदुपरांत अपनी अगली शिक्षा के लिए वे आगरा के अंतर्गत आ गए। आगरा से उन्होंने बीए उत्तीर्ण किया। उसके उपरांत उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और दर्शन शास्त्र में उन्होंने एमए की परीक्षा पास की। इसके उपरांत बाबू गुलाब राय अपनी योग्यता और अपनी अप्रतिम विद्वत्ता के आधार पर छतरपुर महाराज के निजी सेवक के रूप में स्थापित हुए और वहाँ से वे सीधे आगरा आए। आगरा से उन्होंने अपनी आगे पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद अपने रचना कौशल को आगे बढ़ाया। बाबू गुलाब राय ने अनेक प्रकार की साहित्य की रचना की, जिसमें उनका प्रमुख रूप से जो लेखन रहा है वह गद्य का ही रहा है। गद्य लेखन के अंतर्गत उन्होंने संस्कृति, दर्शन, समाज, राजनीति और धार्मिक ऐसे अनेक आधारों का आधार ग्रहण कर अपनी रचनाओं को प्रतिपादित किया है। वे अपनी योग्यता के बूते पर आगे चलकर आगरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही सेंट जॉन्स कॉलेज में हिंदी प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए और उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनके महती लेखन और उनके विचारात्मक विश्लेषणात्मक जो उनके साहित्य रहा है उसके आधार पर आगरा विश्वविद्यालय ने उनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार बाबू गुलाब राय का व्यक्तित्व जितना उच्च कोटि का रहा है, उनका कर्तृत्व भी उतना ही महती और महत्वपूर्ण रहा है। बाबू गुलाब राय ने गद्य के क्षेत्र के अंतर्गत बहुतेरी रचनाएं की हैं। उनकी बहुतेरी उपयोगी पुस्तकें सामने आती है। उन्होंने निबंध साहित्य और बाल साहित्य की रचना भी की है। उनके द्वारा रचित श्रेष्ठ पुस्तकों का व्यौरा हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। नवरस, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, नाट्य विमर्श, आलोचना, कुसुमांजलि, काव्य के रूप, सिद्धांत और अध्ययन,
ये उनकी साहित्यिक विषय पुस्तक है और बाबू गुलाब राय की दर्शन संबंधी जो किताबें हैं उनमें तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास तथा भारतीय संस्कृति की रूपरेखा आती हैं। उनके निबंध संग्रह में प्रकार प्रभाकर, जीवन पशु, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, मेरे मानसिक उपादान आते हैं। बाल साहित्य के अंतर्गत विज्ञान वार्ता तथा बाल प्रबोध आते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कतिपय ग्रंथों का संपादन भी किया जिनमें सत्य हरिश्चंद्र, भाषाभूषण, कादंबरी तथा कथासार आते हैं। बाबू गुलाब राय के समग्र साहित्य को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि उनके साहित्य में जो शैली हमको मिलती है वो तीन प्रकार की होती है। उसमें विवेचनात्मक शैली, भावनात्मक शैली और तीसरी हास्य तथा विनोद प्रधान शैली। इन तीन शैलियों के माध्यम से उन्होंने अपने निबंध में निहित तत्वों को परिभाषित किया है। इसी प्रकार हम बाबू गुलाब राय के भाषा को देखते हैं तो हम पाते हैं कि बाबू गुलाब राय की भाषा अत्यंत ही सरल, सुबोध और ग्रहण करने योग्य भाषा है। उनकी भाषा में कहीं भी जटिलता नहीं आती है। वे अपनी भाषा के अंदर संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग तो करते ही हैं, साथ ही यदा कदा उनकी भाषा में अंग्रेजी और उर्दू के शब्द भी मिल जाते हैं। इसके उपरांत भी बाबू गुलाब राय का व्यक्तित्व इतना साहित्य से रचा बसा था कि उन्होंने यदि चाहा होता तो वे पांडित्य की पराकाष्ठा तक पहुंच पाते, लेकिन उन्होंने पांडित्य का आडंबर ओढ़े बगैर अपनी भाषा को इतना सरल, इतना सुबोध और इतना प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया कि उनकी भाषा में कहीं भी आडंबर और कहीं भी उनके पांडित्य की छाप हमें देखने को नहीं मिलती। यदि हम उनके निबंधों का विवेचन करें तो हम पाएंगे कि उनके निबंधों में जहाँ एक ओर विचार तत्व की प्रधानता है वहीं दूसरी ओर वे विषय वस्तु का विवेचन करते हुए भी उसको साधारणीकरण की दशा तक पहुँचा देते हैं। यही कारण है कि बाबू गुलाब राय के निबंधों में ग्राह्यता है और वे पाठकों के हृदय में शीघ्र ही अपना स्थान बना लेते हैं। बाबू गुलाब राय के निबंधों में कहीं भी जटिलता नहीं है। वे एक सहज गति में, निर्बाध गति से बहते हैं। उन्होंने अपने निबंधों में जहाँ सामाजिकता को अपनाया है वह समाज के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया है। उसी प्रकार से उनके निबंध जहाँ धार्मिक स्थल भावना को छूते हैं तो उन निबंधों के अंतर्गत उन्होंने धार्मिक समन्वय और धार्मिक दृष्टि की पराकाष्ठा को दार्शनिक स्वरूप के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनके निबंध राजनीति कोटि के भी हैं, भारतीय संस्कृति से रचे बसे भी हैं और भारतीय राष्ट्रीयता से भी प्रतिफलित हैं। इसलिए उनके निबंधों में यदि हम समग्रता को देखें, गद्य के विविध आयामों को देखें और जो भी हमारे समय में जो भी घटित हो रहा है उस घटित समय को देखें, उन सभी का विश्लेषण उनके निबंधों में हमें प्राप्त होता है। तो बाबू गुलाब राय ने
अपनी साहित्यिक सेवा और अपने गद्य लेखन और अपने निश्चल लेखन के बल पर हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा स्थान बनाया है। कहा यह जाता है कि बाबू गुलाब राय ने हिंदी में जितनी सेवाएं प्रस्तुत की है या हिंदी क्षेत्र में जितना लेखन प्रस्तुत किया है वह लेखन उनका अग्रणी लेखन है। संभवतः अपने लेखन के बल पर हिंदी जगत को बढ़ाने में जितना योगदान बाबू गुलाब राय का है उतना योगदान और अन्य साहित्यकारों का नहीं है। इसलिए बाबू गुलाब राय का समर्पण, उनकी साहित्य के प्रति भावना और उनका लेखन प्रचुर मात्रा में हमें मिलता है। यही कारण है कि उनकी प्रसिद्धि को भारतीय डाक तार विभाग ने भी स्वीकार किया और उनकी योग्यता को रेखांकित करते हुए 22 जून सन 2002 में उनके चित्र के साथ उनके 3 महती पुस्तकों को रखते हुए एक डाक टिकट जारी किया। इस तरह हम देखते हैं कि बाबू गुलाब राय का व्यक्तित्व और कृतित्व सही अर्थों में अपना उच्च स्थान रखता है। जहाँ तक बाबू गुलाब राय के लेखन का सवाल है, वहाँ उन्होंने अन्य अन्य धाराओं के साथ साथ बाल साहित्य पर भी अपनी लेखनी चलाई है और बाल सुलभ प्रवृत्ति का विश्लेषण उन्होंने किया है। सबसे बड़ा काम संपादन का होता है। संपादन में संपादनकर्ता की महती भूमिका होती है। वह उन श्रेष्ठ वस्तुओं का प्रतिपादन अपने संपादकत्व के अंतर्गत करता है जिनसे साहित्य का भला हो। बाबू गुलाब राय की यह दृष्टि अपने आप में अप्रतिम है। इस तरह हम पाते हैं कि बाबू गुलाब राय ने अपने संपूर्ण जीवन में जो ख्याति अर्जित की है वह ख्याति सिर्फ उनके व्यक्तिगत ख्याति नहीं है, अपितु उन्होंने अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को रूपांतरित करके और साहित्य की विधा में ढाल दिया। यही कारण है कि बाबू गुलाब राय को हम उनके साहित्य निधि से वंचित करके नहीं देख सकते हैं। वस्तुतः बाबू गुलाब राय का जो अवदान हिंदी जगत को मिला है वह स्तुत्य है। निष्कर्ष रूप में हम बाबू गुलाब राय के व्यक्तित्व और कर्तित्व को ध्यान में रखते हुए इतना कह सकते हैं कि बाबू गुलाब राय ने अपने निबंधों के माध्यम से आने वाले निबंधकारों को एक दिशा दी है। यदि हम निबंध लेखकों का उनके द्वारा संपादित कृतियों के माध्यम से विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि बाबू गुलाब राय ने अपने निबंधों के माध्यम से बाबू गुलाब राय निबंध परंपरा का विकास किया और आने वाले समय में बाबू गुलाब राय के निबंधों से मार्गदर्शन ग्रहण करते हुए कई निबंधकार उनके लेखन से प्रभावित होकर के अपनी निबंध यात्रा को संपूर्ण बना रहे हैं। वैसे भी बाबू गुलाब राय के निबंध बहुसंख्यक हैं, सैकड़ों से ऊपर उनके निबंधों की गणना की जाती है। इतना व्यापक लेखन संभवतः हिंदी जगत में बाबू गुलाब राय के अलावा और कोई अन्य रचनाकार कर पाने में अक्षम रहा है। यही बाबू गुलाब राय की सबसे बड़ी योग्यता है जो उनके व्यक्तित्व को प्रामाणिकता के साथ साहित्य जगत में अवस्थित करती है।